हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई कॉपी चेकिंग 2024 को लेकर। ये वीडियो होने वाला है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सीबीएसई की वेबसाइट पे एक सर्कुलर अपलोड हुआ है। तो हम लोगों ने जो है ये सर्कुलर जो है डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसको हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के सामने ये सर्कुलर है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। आप लोगों को पता है जो भी चीजें हम लोग आपको बताते हैं सीबीएसई की वेबसाइट से बताते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले सीबीएसई कॉपी चेकिंग नोटिस के बारे में, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कितनी कॉपी चेकिंग होगी पर डे। ठीक है, जो आप लोगों की 2024 बोर्ड एग्जाम है उसकी कितनी कॉपी चेकिंग होगी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास 10th के लिए वीडियो होने वाला है और आप लोग देख रहे होंगे चेकिंग जो है आप लोगों की इस बार इजी होगी, हार्ड होगी, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और रिजल्ट डेट क्या होने वाली है, ठीक है, जो आप लोगों की सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 है इसकी रिजल्ट डेट क्या होने वाली है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहां पे देख रहे होंगे जो आप लोगों का सर्कुलर है 6 फेब 2024 को सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। वेबसाइट पे वैसे आज के दिन अपलोड हुआ है, बट ये जो सर्कुलर है, ठीक है, बनाया गया है 6 फेब 2024 को। किस चीज को लेकर है, यहां पे आप लोग देख रहे होंगे रिलीविंग ऑफ टीचर फॉर इवेल्युएशन। ठीक है, जो टीचर्स हैं उनको रिलीव करना है स्कूल के प्रिंसिपल को। यहाँ पे जो है इन सब चीजों के बारे में पता चलता है, जो आप लोगों की कॉपी चेकिंग है, ठीक है, इसके बारे में पता चलता है, चेकिंग पर डे के बारे में पता चलता है, चेकिंग इजी होगी, हार्ड होगी, रिजल्ट डेट होगी, इन सब चीजों को, ठीक है, इसी सर्कुलर के थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, या आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे पहले यहाँ पे लिखा है जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो आप लोगों के 15 फेब से लेकर 2 अप्रैल 2024 तक चलेंगे। बट ऐसा नहीं है, ये वाली जो आप लोगों की डेट दे रखी है 2 अप्रैल 2024, ये 12th क्लास की है। 10th की जो है आप लोगों के एग्जाम जो है आप लोगों के 10th के लिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे डेट शीट हम लोगों ने रखी है, ठीक है, क्लास 10th के लिए डेट शीट है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों के क्लास 10th के एग्जाम एंड होंगे, ठीक है, वो आप लोगों के एग्जाम एंड होने वाले हैं 13 मार्च 2024 को, जो कि आप लोगों का कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर होने वाला है। तो आप लोगों के क्लास 10th के जो एग्जाम एंड होंगे वो होंगे 13 मार्च 2024 को, ठीक है, 13 मार्च 2024 को क्लास 10th के एग्जाम एंड होंगे। मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग जो है रिजल्ट डेट को डिस्कस करेंगे तब ये चीजें आपकी काम आएंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आगे क्या लिखा है, फॉर द क्वालिटी ऑफ एवेल्यूशन इन साइंस एंड सोशल साइंस ऑफ क्लास 10th इट हैज बीन डिसाइडेड टू डिप्यूट 1 PGT TGT having qualification in physics, chemistry and biology and 1 PGT TGT having qualification in geography, history, economics, political science as AHE. ठीक है, इस बार जो है आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, इस बार जो आप लोगों के कॉपी चेकिंग में जाएंगे टीचर्स वो PGT भी हो सकते हैं और TGT भी हो सकते हैं। लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर का सर्कुलर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये लास्ट ईयर का नोटिस है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 9 फेब 2023 सेम नोटिस था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है PGT, ठीक है, तो पिछली बार चॉइस नहीं थी, मतलब PGT और TGT में चॉइस नहीं थी, PGT टीचर्स को ही भेजना था स्कूल वालों को कॉपी चेकिंग के लिए क्लास 10th की। बट इस बार आप लोग देख रहे हो, ठीक है, इस बार साफ साफ लिखा है PGT टीचर्स को भी भेज सकते हैं या TGT टीचर्स को भी भेज सकते हैं स्कूल वाले, ठीक है। इसके अलावा एक PGT या TGT टीचर को भेजना है AHE के तौर पर, ठीक है, जो कि हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे इवेल्युएटर्स को साइंस और सोशल साइंस की कॉपी चेकिंग के लिए। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, PGT जो टीचर्स होते हैं वो होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि 12th की कॉपी चेकिंग करते हैं, मतलब 12th को पढ़ाते हैं, और जो TGT होते हैं वो आप लोगों के 10th को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये सीनियर टीचर होते हैं PGT टीचर्स। तो इस बार जो है चॉइस है PGT टीचर्स को भेज सकते हैं, TGT को भी। तो स्कूल वाले जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि TGT टीचर्स को भेज रहे हैं कॉपी चेकिंग के लिए। तो इस बार जो है आप लोगों की कॉपी चेकिंग ईजी होगी, क्योंकि 10th के स्टूडेंट की कॉपी अगर 10th के ही टीचर्स चेक करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जनरल सी बात है, वो कॉपी चेकिंग जो होगी आप लोगों की इजी होने वाली है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, जो आप लोगों की कॉपी चेकिंग है वो इस बार इजी होगी। क्यों, एक और रीजन है इसका, क्योंकि इस बार आप लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी जो है आप लोगों के CBQ जिनको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, वो भी इस बार आप लोगों के काफी ज्यादा आने वाले हैं। लगभग 50% जो आप लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे आप लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 50%। तो ये नए पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। इस बार आप लोगों की जो कॉपी चेकिंग होगी वो इजी होगी, दो कारण है, एक तो आप लोगों के सीनियर जो टीचर्स होते हैं वो आप लोगों की कॉपी चेकिंग नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आप लोगों की जो कॉपी चेकिंग है इजी होगी, और जो आप लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो 50% आ रहे हैं, मतलब नए पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से क्वेश्चन टफ आएंगे इस बार, इसलिए आप लोगों की कॉपी चेकिंग जो होगी वो इजी होगी। दो कारण मैंने आपको बता दिए। चलिए अब बात करते हैं कितनी आप लोगों की जो कॉपी चेकिंग है इस बार होगी। मैंने फटाफट से जो है चीजों को रब कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इस बार जो आप लोगों की कॉपी चेकिंग होगी, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे नंबर ऑफ आंसर बुक टू बी इवेल्युएटेड हैव बीन फिक्स्ड 20 पर डे।
आप लोगों की जो कॉपी चेकिंग होगी एक दिन में कितनी कॉपी चेकिंग होगी, 20 होगी पर डे में, ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट्स होंगे, और जो आप लोगों के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, उनकी जो होगी आप लोगों की 25 कॉपी चेकिंग होगी, मतलब 20 और 25 दो तरह से होगी। 20 कॉपी चेकिंग वो होंगी जिनके 80 मार्क्स का जो पेपर होता है, मतलब मेन एग्जाम होता है, जैसे कि आप लोगों का मैथ्स हो गया, ठीक है, जैसे कि आप लोगों का SST हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, ये वाले सब्जेक्ट जिनका आप लोगों का एग्जाम 80 मार्क्स का होता है, उसका जो होगा आप लोगों की 20 कॉपी चेकिंग होगी एक दिन में, और जो आप लोगों की 25 कॉपी चेकिंग होगी उनकी होगी जिनका एग्जाम 50 मार्क्स का होता है या फिर 80 से कम मार्क्स का होता है, जैसे कि AI हो गया आप लोगों का, ठीक है, IT हो गया, जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, ये सब जो आप लोगों के एग्जाम्स होंगे इनकी आप लोगों की एक दिन में जो है 25 कॉपी चेकिंग होगी, और जो मेन एग्जाम्स होंगे उनकी 20 कॉपी चेकिंग होगी, ठीक है। तो इस बार जो है आप लोगों को पूरा टाइम दिया जा रहा है, मतलब जो टीचर्स होंगे कॉपी चेकिंग करेंगे उनको पूरा टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, ना तो ज्यादा कॉपी चेकिंग हो रही है ना कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, हाउएवर 0 एरर इवैल्यूएशन कैन ओनली बी एंश्योर्ड विद डिवोशन सिंसियरिटी, ठीक है। तो टीचर जब है कॉपी चेकिंग में सिंसियरिटी दिखाएंगे, डिवोशन दिखाएंगे, तभी जो है कॉपी चेकिंग 0 एरर होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है, इसीलिए जो है आप लोगों की इस बार थोड़ी सी कम कॉपी चेकिंग करवाई गई है, ठीक है, ताकि क्वालिटी इवेल्युएटर्स हो, ठीक है, क्वालिटी इवेल्युएशन हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लास्ट ईयर क्या होता, बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है कॉपी रीचेकिंग कराई थी, बहुत सारे स्टूडेंट ने, इससे क्या होता है जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो CBSE होता है, ठीक है, सभी का जो है आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है, तो CBSE बिल्कुल भी नहीं चाहता है कॉपी चेकिंग, कॉपी रीचेकिंग हो, इसीलिए जो है इस बार आप लोगों का टाइमिंग जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, काफी ज्यादा जो है आप लोगों को जो टीचर्स हैं उनको कम कॉपी चेक करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, इवेल्युएशन विल बी डन फॉर अबाउट 10 to 12 डेज फ्रॉम 9 AM to 5 PM, ठीक है। तो आप लोगों की जो कॉपी चेकिंग थी मैंने आपको बता दिया कितनी होंगी, 20-25 होगी, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की जो कॉपी चेकिंग होगी वो कब तक चलेगी, ठीक है। इवेल्युएशन विल बी डन फॉर अबाउट 10 to 12 डेज, कितने दिन चलेगा आपका इवेल्युएशन का प्रोसेस, 10 से 12 दिन, 9 AM से लेकर 5 PM, सैटरडे संडे जो होगी आप लोगों की, नहीं सैटरडे संडे नहीं, केवल संडे जो है आप लोगों की छुट्टी होगी, जो टीचर्स होंगे उनकी छुट्टी रहेगी। ड्यूरिंग द पीरियड 20 to 25 आंसर बुक हैज मेंशनड अबाउट आर टू बी इवेल्युएटेड बाय ईच इवेल्युएटर, ठीक है। 20 से 25 कॉपियां चेक होंगी, आंसर बुक विल बी आर टू बी इवेल्युएटेड इन 8 आवर्स ड्यूरेशन, 8 घंटे जो है कॉपी चेकिंग का प्रोसेस चलेगा, ये सब चीजें आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, नोटिस में लिखा है सब चीजें। और आप लोगों के जो टीचर्स होंगे वो स्पॉट को जो है, जो जगह होगी जहां पे कॉपी चेकिंग चल रही होगी उसको छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है, जब तक पूरी कॉपी चेकिंग नहीं हो जाती। तो ये आप लोग देख रहे हो, काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं, प्रॉपरली जो है चीजों को मेंशन किया गया है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोगों की कॉपी चेकिंग होती है ना, जो आप लोगों की कॉपी चेकिंग होती है वो आप लोगों की सेम डे से होती है। जैसे आप लोगों का, मान लो आप लोगों का आज एग्जाम है इंग्लिश का, तो आज आप लोगों की जो कॉपी होंगी वो जमा हो जाएंगी, ठीक है, वो आप लोगों की कॉपी चेकिंग के लिए चली जाएंगी, ठीक है। तो सेम डे जैसे आप लोगों का आज एग्जाम हुआ उसी की कॉपी चेकिंग जो होगी आप लोगों की 10 से 12 दिन चलेगी, और वो आप लोगों की जो होगी फिर आप लोगों की कॉपी चेकिंग वो एंड हो जाएगी 10 से 12 दिन में। तो आप लोगों का जो रिजल्ट है, ठीक है, 10 से 12 दिन बाद जो है आप लोगों की, जैसे कि आप लोग मान रहे होंगे लास्ट जो आप लोगों का एग्जाम था 13 मार्च को था, लास्ट एग्जाम है आप लोगों का 13 मार्च को, तो 13 मार्च को अगर आप लोगों का लास्ट एग्जाम है, 10 दिन जो है आप लोगों की कॉपी चेकिंग चलेगी, यानी कि 23, और 10 दिन और आप लोग मान लो कि रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए लगेगा, तो आप लोग ये मान के चलो 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में जो है आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार इलेक्शन भी होने वाले हैं, इसलिए जो आप लोगों की कॉपी चेकिंग होगी वो जल्दी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और जो आप लोगों के रिजल्ट डेट है वो भी आप लोगों की जल्दी रहेगा। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं 10th के लिए बात कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ जरूर से शेयर कर दो। हम लोगों ने यहाँ पे ये सब चीजों को डिस्कस किया, आप लोगों के रिजल्ट डेट क्या होने वाली है, चेकिंग आपकी इजी होगी हार्ड होगी, चेकिंग कैसी रहेगी, कितनी पर डे में होगी, कॉपी चेकिंग का नोटिस को हम लोगों ने प्रॉपरली जो है डिस्कस किया। तो आप लोग वीडियो को जरूर से शेयर कर दो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।